तो हे गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप हम लोग बात करने वाले हैं सबसे घटिया ब्रोकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो है एम स्टॉक। जीरो ब्रोकरेज है, एक ट्रैप है, ठीक है। आपको पूरा यूट्यूब पे सभी लोग, जो सब बड़े बड़े यूट्यूबर है, सभी लोग बता रहे हैं कि एम स्टॉक में अकाउंट खोलो, और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरा ये अकाउंट है एम स्टॉक का। ये अकाउंट मेरा माइनस में यहाँ पे जा चुका है, -115 रुपये, और यहाँ पे कैश में दिखा रहा है -170 रुपये, ठीक है। तो टोटल 170 रुपये मेरा माइनस में गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा अकाउंट है ना, वो प्रो अकाउंट है। प्रो अकाउंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने अकाउंट ओपनिंग के लिए लगभग 2400 कुछ रुपए पे किया था, 2450 समथिंग डैट, उतना रुपए का पेमेंट हमने किया है। मतलब पहले तो अकाउंट ओपन करवाया, तो कौन सा अकाउंट मेरा, मैं पहले वो बता देता हूँ। अभी करंट प्लान ये दिखा रहा है, करंट प्लान 900999 का हमने पेमेंट किया था, प्लस MC के लिए भी उत्तर दिया था, उसके ऊपर GST, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, बहुत सारे चार्जेस लगा के लगभग 2500 रुपये के आसपास चार्जेस लगा। उसके बाद बोला गया कि आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। बट मेरे को ये चार्जेस लगा है, और जिसका भी एम स्टॉक में अकाउंट है सभी को चार्जेस लगा है, और ये चार्जेस लगता रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके वेबसाइट पे कहीं भी इस चार्जेस के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। क्या चार्जेस लगा है मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक, ओके। चलिए, क्या चार्जेस लगा वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम स्टॉक पे जाते हैं। तो भाई 2500 रुपये दे के अकाउंट खुला रहे लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज के लिए, तो भी चार्जेस लग रहा है। तो इसका क्या सलूशन है, अल्टरनेट क्या, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं रिपोर्ट में। अभी मैं ब्रोकर यूज़ नहीं करता, यहाँ पे बहुत सारा मतलब इसका पोर्टल भी हैंग हो जाता है, लैग हो जाता है, तो कई बार हो चुका है, तो वो दिक्कत है। लेजर बैलेंस -117 रुपये, मैं इसमें पेमेंट भी नहीं डालने वाला हूँ, माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग चार्जेस करके कुछ चार्जेस यहाँ पे ये लोग चार्ज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग चार्जेस करके चार्ज करता है, और डिलेट पेमेंट चार्जेस, जबकि हमने इसमें कोई डिलेट का पेमेंट नहीं लगना चाहिए था। अब क्यों नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हमने कोई स्टॉक वगैरह इसमें जो प्लेस वगैरह करते हैं उसके ऊपर मार्जिन वगैरह लेते, हमने वो कभी यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो डिलेट पेमेंट चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए था हमारे नॉलेज से, क्योंकि हमने बस इस पर केवल ऑप्शंस ट्रेड किया था, और बस उतना ही ट्रेड किया था, उसके अलावा कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक, ओके। तो भी यहाँ पे चार्जेस लगा है, डिलेट पेमेंट चार्जेस भी लगा है। जब हिस्ट्री पे यहाँ पे जाएंगे, मैं कस्टम में जाकर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 2022 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, अप्रैल 1 से अभी तक का। मैं अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाऊँ, इसका बैक ऑफिस भी पूरा बकवास है, इसका क्या सोल्यूशन मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे DP चार्जेस, क्योंकि स्टॉक हमने खरीदा था, बेचा था, क्यों बेचा था वो भी बताऊँगा। नॉर्मल में यहाँ पे हमने खरीदा था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हाँ किधर गया, ओके, यहाँ पे आपको आ जाएगा यहीं पे सारा का सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए किधर गया, सबसे नीचे होगा आई थिंक, ओके, हाँ। तो यहाँ पे कहाँ से, ऑपरेटिंग चार्जेस, यस, ऑपरेटिंग चार्जेस 116 रुपये, डिलेट पेमेंट चार्जेस ये नहीं लगना चाहिए था, फिर से लगा डिलेट पेमेंट चार्जेस, फिर से लगा। ये हमने अभी देखा, जिसमें मेरे पास बैलेंस होगा उसमें भी, उस समय भी लगा होगा, लेकिन अभी जीरो बैलेंस था। अभी अकाउंट लॉगिन करके देखा कि भाई ने यूट्यूब पे कमेंट किया था एक वीडियो पे, सो तब यहाँ पे हमने आगे देखा, तो पता चला मेरा अभी यहाँ पे चार्जेस लग चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और प्रॉब्लम है, इसमें हमने एक टाटा मोटर शेयर खरीदा था, उसको मैं जीरोधा में ट्रांसफ़र कर रहा था, ऑफलाइन मार्केट के जरिए होता है, ऑफलाइन मार्केट ट्रांजेक्शन होता है, वो भी यहाँ पे हमें स्टॉक वाले ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को स्टॉक यहाँ पे बेचना पड़ा, फिर वहाँ जाके खरीदना पड़ा, बहुत लफड़ा है। और एम स्टॉक पे क्या है कि आप केवल ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो नॉर्मल, और इस पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, सब पूरा बकवास है। जैसे कि आप यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और MCX पे तो नहीं कर सकते ना। तो उसके अलावा कोई आपको यहाँ पे अपने स्टॉक को प्लेस करके अगर मार्जिन चाहिए जिसके ऊपर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी आपको फीचर्स यहाँ पे अलाउ नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत सारा लैग का यहाँ पे इशू आ जाता है, तो इंट्राडे में तो पूरा बकवास है। जीरो ब्रोकरेज के नाम पे ब्रोकरेज तो बचा लेंगे, ठीक है, प्लस आपके चार्जेस भी पे कर देंगे, और पोर्टल के ग्लिच के चलते आपका अच्छा खासा लॉस में जाने वाला है, ठीक है।
ये यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो चलिए, एक भाई ने कमेंट किया था और इसका देखिए मेरे को मेल भी आ रखा था प्रमोशन के लिए, बट मैं भी ये सब करने वाला नहीं हूँ। पूरा बकवास है यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एकदम पूरा बकवास है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो पे कमेंट जो आया एक भाई का, वो क्या कहना यहाँ पे चाह रहा है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग, ये चैनल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस यहाँ पे है, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे देख लेते हैं और किधर गया। और यहाँ पे हम लोग कमेंट पे जाते हैं, तो इनका कमेंट आप लोग पढ़िए। हमने वीडियो बनाया था शून्य वजह से, एम स्टॉक वाला वीडियो बनाया था हमने, उसमें भी रिकमेंडेड किया था एम स्टॉक यूज़ ना करें। सभी को बताया था कि एम एस स्टॉक यूज़ करेंगे 25 रुपये जाएगा, उससे अच्छा आप शून्य यूज़ करें, हमने बताया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हिडन चार्जेस टेकिंग AMC 470 रुपये पर एनम, इनका 470 रुपये AMC जा रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग चार्जेस के नाम पे, ठीक, ओके। और इन्होंने लाइफ टाइम वाला अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है, ओके। और ये बोल रहे हैं इससे ज़्यादा बेटर तो जीरोधा धन अप स्टॉक ग्रो है, ठीक है। एम स्टॉक जीरो ब्रोकर देखने में लिए है, बट लेकिन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यस डोंट बिलीव यू गाइस, जीरो हटेज ऑलवेज, यस वी फूल्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट आगे पर इस वीडियो पे जाके जरूर पढ़िएगा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पहले जीरो ब्रोकरेज बोलता है, फिर एंड में बोलता है 15 के अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अच्छा दुकान चला रखा है, लिंक दे के 15,500 नहीं 2,500 लगता है। तो भाई क्या बता रहा हूँ, जो फैक्ट है बता रहा हूँ। अभी सभी बड़े यूट्यूबर को देख लो, सभी बड़े यूट्यूबर आपको बोलेगा कि एम स्टॉक में अकाउंट खुलाओ, जीरो ब्रोकरेज है, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि शून्य में अकाउंट खुलाओ। शून्य में आई थिंक कोई भी रिकमेंडेड आपको कर ही नहीं सकता, ना ही शून्य में रिकमेंडेड करेगा, ना ही आपको फ्लैट ट्रेड में रिकमेंडेड करेगा, ठीक है। सभी लोग आपको एम एस स्टॉक में रिकमेंडेड करेगा। आप बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए, जीरो जब एम एस स्टॉक सर्च करेंगे तो बड़े सारे यूट्यूबर का वीडियो आएगा, सभी लोग यहाँ पे एम एस स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। बट दिस इज ट्रैप, इस ट्रैप में फंसेंगे तो 2,500 रुपये तो जाएगा ही, प्लस इसमें ट्रेड करेंगे, टेक्निकल इशू के कारण आपका वो भी पैसे जाने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये यह है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जीरो ब्रोकरेज ही यूज करना है तो भाई आप यहाँ पे शून्य यूज कर सकते हो, और फ्लैट रेट पे 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, बाकी चार्जेस जीरो है, और शून्य पे अकाउंट ओपनिंग फ्री, बाकी चार्जेस भी जीरो। असली मायने में अगर कोई जीरो ब्रोकरेज है तो मैं सिंपली बता रहा हूँ वो शून्य है, शून्य कमीशन फ्री है, इससे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। शुरू में मेरे को शून्य के बारे में नहीं पता था, सबसे पहले हमने एम एस स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाया था, बाद में पता चला शून्य, उसके बाद मेरे को कोटक सिक्योरिटीज के बारे में पता चला, उसमें ट्राई किया, उसके बाद मेरे को शून्य के बारे में पता चला, अभी मैं शून्य में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और फ्लैट ट्रेड के बारे में बाद में पता चला, फ्लैट ट्रेड में नहीं ट्रेड करता, फ्लैट ट्रेड से ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे शून्य मेरे को लगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, बाकी आपका मर्जी, जहाँ पे अकाउंट ओपन कराना है अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एम स्टॉक का, अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं जीरो ब्रोकरेज को, सबसे पहले आप शून्य में ट्राई कीजिए विदाउट एनी चार्जेस, कि एम स्टॉक में बहुत सारा फीचर्स भी नहीं मिलता, बस आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी फीचर्स नहीं मिलेगा जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो बहुत सारे फीचर्स आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो सारे फीचर्स आपको जीरोधा पे जैसे कि मिल जाता है, सेम फीचर्स आपको फिनवासिया सुनने पे मिल जाएगा, बट एम एस स्टॉक पे नहीं मिलेगा, जीरो फ्लैट रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई फीचर के मामले में एम एस स्टॉक लैग करता है, प्लस ये चार्जेस क्यों लगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमने 2,500 रुपये यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग दिया था, टोटल चार्जेस 2,500 रुपये पे करने के बाद भी चार्जेस, चलो ठीक है। आपका जैसा भी ओपिनियन है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ओके एंड बाय।